बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी पहुंचे डीएम कार्यालय बिजनौर, एक ज्ञापन जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल को दिया। उसके बाद सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिला मुख्य चिकित्सालय के कार्यालय पर पहुंचे। एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार गोयल को देने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं मिले, तब उन्होंने वह ज्ञापन एडिशनल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरण सिंह को सौंपा और उन्होंने बताया कि 13 तारीख को हमने एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार जी को दिया था, जिसमें राजवंश हॉस्पिटल चांदपुर में एक महिला की मौत हुई थी। उस अस्पताल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर पैसे लेने का भी आरोप है, जिससे वह कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी का फोन उठा रहे हैं। तब डॉक्टर शरण सिंह ने कहा कि हम 20 तारीख तक का समय आपसे लेते हैं, उस अस्पताल की जांच करके ये पता लगाएंगे कि उस डॉक्टर पर डिग्री है या नहीं, और जितने भी उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह भी डिग्री धारक है या नहीं, तब हम उस अस्पताल के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे और उसे सील करने का, उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए डॉक्टर शरण सिंह एडिशनल चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हम आपको 20 तारीख तक का टाइम देते हैं। अगर डॉक्टर राजवंश हॉस्पिटल चांदपुर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, उसे सील नहीं किया गया, तो हम आपके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ का कार्य बंद कर देंगे। तब डॉक्टर सुमित कुमार नगर राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि हमारी आपसे प्रार्थना है कि जिला बिजनौर में जितने भी शहरों में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय चौहान की यह खबर हिंदी में। तीन दिन का आश्वासन दिया, आज कम से कम कितने दिन होगा? 13 दिन। अरे एक दिन तो ट्रांसफर होगा, अभी चार्ज नहीं दिया उन्होंने, चार दिन पे इकतीस अगस्त तो ये फोन क्यों नहीं उठाते? कौन फोन वो बता रहे हैं, फोन करें छुट्टी बता रहे हैं। कोर्ट में गया हूँ तो क्यों पाऊंगा, तो नाम भी दिया था ना भैया, आ गए उनकी जगह हमारे राष्ट्र सचिव रहने वाले हैं, उनके साथ जो अन्याय होया ना, अन्याय यूनियन बर्दाश्त नहीं करेंगे होने की। एक बार बात कर लो, अगर जो न्याय नहीं मिलेगा और उसमें कार्रवाई नहीं होने की, उसके ऊपर कौन सा राजवंश हॉस्पिटल चांदपुर सीएमओ दफ्तर में लगा था आप बात करो, सारे न्यूज में निकली पड़ी है। अरे पल्ला ही बिछेगा जब भी बात बनेगी, ऐसा बनने बात करो। अरे नहीं, हम कल को फेर आगे मिलेगा, क्या तुम्हारे नौकर है क्या? हम जब 13 दिन पहले एप्लीकेशन देती है, कुछ नहीं होया इसमें, फिर क्या करोगे? पैसे लेकर बैठ गए, कुछ तो बता मा यो कार्य जब 13 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमें भी लग रहा है अस्पताल वाले कह रहे हैं। तो कह तो रहा हूँ मैं, बात तो करो जब आप मांग रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हो। केवल 3 दिन का टाइम बंदा बना रखा है।